एट करते हैं पहले सर, करा दो। ओके 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 सर कहता है ये, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं। द बजट मैनेजर जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट आपको दे रखा है 2011 का। द कंपनी प्रोड्यूस डीटीएक्स डायरेक्ट मटेरियल ₹7 लिख लेते हैं। ₹7 डायरेक्ट लेबर ₹2.5 डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट लेबर एवरेज, उसके बाद कहता है डायरेक्ट लेबर एवरेज रेट दिस पर आवर रिक्वायर्ड 1.6 आवर, ये पर आवर है, रिक्वायर्ड 1.6 आवर एक यूनिट के लिए। चलिए, सेल्समैन पेड कमीशन ₹1, सेल्समैन कमीशन ₹1 देंगे एक यूनिट बेचने पे। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस ₹85,000 ईयर, सेलिंग एक्सपेंस ₹85,000। चलिए, मैन्युफैक्चर ओवरहेड इज एस्टिमेटेड, कहता है हमने आपको ये सारा डिटेल दिया है इस पे, ठीक है। प्रिपेयर टोटल कॉस्ट बजट, जो कि हम बनाते हैं नॉर्मली, वो टोटल कॉस्ट बजट भी होता है और फ्लेक्सिबल बजट भी हो जाता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यानी हमें इन्हीं दोनों लेवल को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। चलिए, इसमें हम नई बातें सीखेंगे। एक बीस, एक पचास, ठीक है। कुछ नई बातें भी सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले वेरिएबल, फिर सेमी वेरिएबल, फिर फिक्स। अब देखिए, फिक्स में तो वो आ जाएगा, जैसे ये वाला देखिए, इस लेवल पे भी ये, इस लेवल पे ये, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो फिक्स वाला तो पता ही चल गया हमें। तो मैं फिक्स वाला तो पहले फिल ही कर सकता हूँ, है ना, या शुरू से ही करते हैं। चलो, मटेरियल। अब मटेरियल हर एक क्वांटिटी को चेक करना होगा, चेक करते हैं सर। सर मटेरियल, मटेरियल ₹7 था, तो 1.20 × 7 करते हैं, तो 7, 8, 1.20 × 7 साथ ही था ना, पर यूनिट 8.40। कुछ तो अच्छा, ठीक है, यह है डायरेक्ट मटेरियल, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, दो दो मटेरियल इसमें, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था। तो 1.20 × 7, 8.40, 1.5 × 7, 10.50। इसके बाद कह रहा है डायरेक्ट लेबर, देखिए लेबर में क्या कहता है, लेबर में कहता है कि एक लेबर ना एक यूनिट को बनाने में कुछ समय लेगा, और वो समय कितना लेगा सर, 1.6 आवर एक यूनिट को बनाने में। और इसका जो वेजेस है ना, वो 2.5 पर आवर है, और
वेजेस जो है 2.5 पर आवर है, तो मुझे बताइए 1 आवर का एक यूनिट का, आवर का नहीं, आवर का तो पता ही है, कौन बच्चा बताएगा कि एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा आएगा? जैसे मान लो, सिंपल सा समझो, आप एक ये पेन बनाओगे 2 घंटे में, ठीक है, एक पेन बनाओगे 2 घंटे में, और 1 घंटे के ₹5 आप दिहाड़ी लेते हो, तो एक पेन कितनी देर में बनाओगे? सिंपल सी बात है सर, 2 घंटे में ₹5 दिहाड़ी, यानी सर आप बनाओगे ₹10 में। कैसे निकाला सर? 5 गुना में 2, 2 घंटे ये टाइम है और ये रेट है, यानी सर अगर यूनिट पर कॉस्ट निकालना हो ना, तो क्या करते हैं, टाइम इंटू में रेट, तो सर टाइम कितना है, 1.6 आवर इंटू में 2.5, तो 1.6 इंटू में 2.5 तो ₹4 आ गए। पहले तो ये समझिए, लेबर जो लगेगा एक यूनिट पे ₹4, तो इसका मतलब 4 × 1 = 20, तो 48, 4 80 और 60, 6 लाख। किसी को डाउट इसमें? इसमें किसी को डाउट है? कह रहे हैं 1:40 का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, दे रखा है क्या? ओ सही है, कोई बात नहीं, 1:40 का बना देंगे हम, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, ये लो बन गया जी 1:40। चलिए जी, इसका भी ले लेते हैं 1:40, 1:40 × 7, 980। हमें बनाना इसी का ही है सिर्फ, चलो ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मत बनाना एग्जाम में, 1:40 × 4, 560। सेल्समैन का कमीशन वेरिएबल ही होगा, ₹1, दैट इज 120, 150 और 140, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। सेलिंग एक्सपेंस 85,000 फिक्स है, सेलिंग एक्सपेंस 85, 85, ठीक है सर। अब मजे की बात देखना, अब मुझे यहां सिखाना है मेन काम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पार्ट सिखाना है आपको, और मेन यही पार्ट है। ओके सर, यानी सर देखा जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल, अब आपको चेक करना है सर, इसका पर यूनिट रेट निकालना है, तो हमारा 2,64,000 का खर्चा है, और डिवाइड अगर 1:20 करें तो 2,64 डिवाइड, हर जगह चेक करना पड़ेगा, 2,64 / 1:20, मतलब सर ₹2.20 का है ये, ₹2.20 गुनाइए। अब यही चेक करना है कि ₹2.20 को इससे गुना करने से सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ₹2.20 से इससे मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा, मतलब ये पूरा टोटली वेरिएबल है। चेक कर लेते हैं, 1:50 × 2.2, हाँ ये 3:30 ही आ रहा है, इसका मतलब पूरा वेरिएबल है ये, इनडायरेक्ट मटेरियल। टू पॉइंट टू से तो 1:20 कितना, 2:64, 3:30, तो सर ये भी इस पे आ जाएगा 308। अब एक और, मैं अभी इसके बाद रुकूंगा, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर चेक करते हैं, 1:50 / 1:20 कितना आता है, 1:50 / 1:20 1.25, अब 1.25 × 1.5 लाख, 1,87, ये भी पूरा वेरिएबल है इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट लेबर 1.25, 1.25 में 1.50, 1,87,500 और 1.25 इंटू में 1,40, 1,75। यानी सर यहां पे रोल क्या है, जब आपको दो डेटा देगा, जब दो डेटा दे दे ऐसे करके, तो अब हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई तू वेरिएबल है या फिक्स है, तो हमें हर किसी का यूनिट निकाल लेना है। यानी अगर जो इसका पर यूनिट कॉस्ट आएगा इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके, तो अगर इसका जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा, सेम पर यूनिट कॉस्ट अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आना चाहिए इसके बराबर। तो अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स टोटली वेरिएबल है, अगर डिफर कर गया तो देखना बदल जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन चार्ज देखते हैं, इंस्पेक्शन चार्ज यहां करके दिखा रहा हूं, जैसे 90,000 और डिवाइडेड बाय 120, देखिएगा इसमें 90,000 120 0.75 इंटू में 150, तो 1,12,500 आ रहा है। यानी सर ये भी दोनों मैच कर रहे हैं, तो क्या आ गया सर, ये इंस्पेक्शन चार्ज, ये भी वेरिएबल है पूरा। ये भी टोटली वेरिएबल है, 90,000 120 0.75, दैट इज आपका 198, 234 है ना, 234 है, 234 नहीं, गलत हो गया, ये आएगा हमारा, कहाँ चले गया मैं, नाइन्टी 1,12,500। अब 0.75 इंटू में 140 क्योंकि वेरिएबल है, 1,05। अब आ जाते हैं सर मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस का यहां करूंगा मैं, मेंटेनेंस का 84,000 1,20,000 रुपये, तो 84,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 0.7, क्या 0.7 इंटू में अगर 1,50 करें तो 1,05,000 आ रहा है। देखिए अब यहां चेक करिए फटाफट कैलकुलेटर पे, अगर 0.7 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 1,05,000। मीन सर यहां पे तो 1,2 है जबकि आना चाहिए 1,5, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ पार्ट फिक्स है, इसके बीच में कुछ ना कुछ पार्ट फिक्स है। तो फिक्स कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेंगे। पहले बताइए यहां तक चेक करना है आपको कि सर कितना होगा। अब देखिए मैं बता दूं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। अगर उसी की बात करें चेंज इन कॉस्ट की, तो सर 84 से 1,2 हो गया, 84 से 102 हो गया, 84 माइनस 102 18,000, यानी 84, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये बड़ा छोटा, 102 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 1,20 से 30,000, दैट इज 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो 0.6 वेरिएबल है। तो सर अगर 1,20,000 पे इंटू करें 0.6 से, कर लो जी 1,20 इंटू में 0.6, यानी सर 72,000 वेरिएबल है। जी हाँ, और टोटल कितना था सर, टोटल था 84, तो 84 में से अगर 72 माइनस कर दोगे तो सर ये 12,000 फिक्स निकल के आया। दोबारा समझिए, मैंने क्या करा, हर लेवल पे चेक किया कहीं इसमें कोई फिक्स इन्वॉल्व तो नहीं है, पता चल गया इसमें फिक्स इन्वॉल्व था, तो वेरिएबल निकालने का हमने क्या करा ये मेथड, तो इससे पता चल गया ये वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला था और इससे वेरिएबल निकल गया हमारा। अब हमने कहा कि भैया इसी लेवल पे जाया जाए, तो हमने क्या करा, क्या था, मैं एकदम बिल्कुल साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, पढ़ ले क्या था, कौन था भाई, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट हमने 1,20 पे चेक किया तो दे रखा था 84,
और 1.50 पे दे रखा था 1,02,000, जो कि पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं चेक करूं तो कितना आएगा, 84 डिवाइडेड बाय 120। जब हमने चेक किया तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आया 84 डिवाइडेड बाय 120, यानी 0.7। तो सर ये तो 84 आ जाएगा, लेकिन 0.7 को इससे मल्टीप्लाई करके 102 आना चाहिए। तो 0.7 से अगर मैंने 150 को मल्टीप्लाई किया तो 105 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 105। मतलब सर जो ये ट्रांजेक्शन है, ये सारा का सारा वेरिएबल नहीं, इसमें कुछ पार्ट फिक्स भी है। इसमें से वेरिएबल निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 84, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 84 माइनस में 102, सर 18,000, 18,000, और डिवाइडेड बाय इन दोनों के यूनिट के बीच का डिफरेंस 30,000, तो आ गया 0.6 वेरिएबल है। सर अगर आपको मैं बता दूं कि 84,000 में, और ये यूनिट कोट कर रहा है 1,20, और इसमें से अगर मैं वेरिएबल हटा दूं तो वेरिएबल होगा 1,20 इंटू में 0.6, दैट इज 72,000। अगर इसमें से 72,000 वेरिएबल है तो बाकी बच गया 12,000। ये तो हमारा फिक्स कॉस्ट ही रहेगा ना, ये तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगा ना। बताइए पहले, यहां तक सभी को समझ में आया तो आगे बढ़े, बस यही मेन पॉइंट मुझे समझाना था। यही मेन पॉइंट समझाना था। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर, ये तो क्लियर है, तुषार का पहले आया हुआ था, बाकी बच्चे भी बता दें। सर इसमें डैम है, दम है, आ तो गया समझ, बिल्कुल इसमें दम तो है बात में, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, दमदार, चिंता क्यों करते हैं? बाकी बच्चे ही बता दे ताकि मैं आगे करूं कंटिन्यू। यस सर, क्लियर। चलिए सर फिर आ जाते हैं पीछे, मैंने इस पे इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया। अब इसे सेमी की कैटेगरी में रख ले, मेंटेनेंस फिक्स 12,000, वेरिएबल 6 के हिसाब से तो 72,000, 80,000, 15, 1.5 लाख इंटू में 0.6, 90,000, 84,000। आ जाइए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को भी चेक करते हैं, यही चेक करते हैं, 198 डिवाइडेड बाय 120, 0.65, 0. नहीं 1.65 है, ये 1.65। अब 1.65 को 1.5 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 247,500 आ रहा है, जबकि यहां पे तो कुछ और है, जबकि यहां पे तो कुछ और है। मतलब सर इसके अंदर भी वही गड़बड़ी, यानी यहां भी वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो ये कौन सा है हमारा, मेंटेनेंस की जगह पे सुपरवाइजर। आ जाइए सर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर 1,20, 1,50 कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट है 1,98,234। और हमने चेक कर लिया कि फिक्स नहीं है, तो VC निकाल लेते हैं, चेंज 30,000, ऊपर की साइड आ जाएगा 1,98,234, 36,000, 36,000 डिवाइडेड में 30,000,
1.2 पर यूनिट। तो सर इसका मतलब अगर देखा जाए तो 198 में वेरिएबल कितना होगा इन टू में, 144 तो वेरिएबल है, माइनस 198 कर दो, 54 फिक्स है, फिक्स हो गया। तो आ जाइए 54 फिक्स है, क्या था हमारा सुपरवाइजर, फिक्स 54, इसको बाद में लिख लेंगे। वीसी तो कितना था, 1.2 इंटू 120, 144, 1.2 इंटू 150, 180, 1.2 इंटू 140, 168। चलिए सर फिक्स कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंस था, फिक्स कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंस 85, और 90 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद इंजीनियर सर्विस, ये दोनों जगह पे सेम ही दे रखा है तो इसका मतलब फिक्स। टोटल 269, अब ऐसे ही टोटल इसका 840, 480, 120, 264, 1944, 10, 50, 60, 6 लाख, ये 6 लाख है, 150, 330, 187, 500, 112, 500, 1430। चलिए नाउ क्लियर है, वॉइस चेक करिए, नाउ क्लियर, अभी टोटलिंग ही कर रहा था, चलो शुक्र है। आप भी बता दो एक दो का, 330 आपको एग्जाम में हालांकि बस एक बनाना था, मैंने सारा ही बना दिया।
3 10, तो मैं एक का ही टोटल कर लेता हूँ, 22 68 28 लाख 47 हजार, बाकी आपकी मर्जी है, मैं कर देता हूँ। चौबीस लाख 95 हजार, देख रहे, टोटल करने दीजिए बस। टोटल ऊपर नीचे हो सकता है, तो सो दैट प्लीज आप सही से चेक कर लीजिएगा एक बार, जल्दबाजी में किया गया टोटल है ये, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है, टोटलिंग में अगर हो जाए ऊपर नीचे तो आप चेक करके करेक्ट कर लीजिएगा। सर 28 55 है बुक में, टोटल एक बार कर लीजिए, 28 55 ही आ रहा हुआ, देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेटर भी तो कई बार रुक जाता है हमारा। आठ हजार का फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हुई होगी, कोई बच्चा बता दे। सर 31 है, 31 8 नहीं है, 3 10 है, बता दो फटाफट, आप बताओ भाई कहां गड़बड़ी है। बताइए, वेरिएबल में 1 68 होगा, बच्चे कह रहे हैं। सर सुपरविजन में वेरिएबल में 1 68 होगा, ओके, देखा पता चल गया ना, और यही 8 से 15 55, चलिए ओवरऑल आपको समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सबको ये सवाल, तो एग्जाम में मान के चलिए इसी पैटर्न पे सवाल आने वाला है आपके। क्लियर है सभी को? जी सुपरविजन क्लियर कर दो। सुपरविजन, चलिए कहां निकाला था सुपरविजन, आ जाते हैं। हाँ सुपरवाइजर, सुपरविजन है, सुपरवाइजर है। सुपरविजन है, मैंने वाइजर लिख दिया, सुपरविजन है ये, ठीक है। चलिए वन पॉइंट टू का कॉस्ट आया, इनटू में 1 40 पे काम कर रहे हैं, करिए मल्टीप्लाई, 1 68 ही आता है सर, ये वेरिएबल हो गया, इससे मल्टीप्लाई करके, यानी सर ये पर यूनिट था और यहां पे इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। मेंटेनेंस और सुपरविजन एक बार और बता देते हैं, चलिए देखिए कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना कि जैसे हम चेक कर रहे थे यहां पे 0.7 आ रहा था वेरिएबल इस लेवल पे,
तो जब इससे मल्टीप्लाई कहेंगे तो ऑब्वियस ये आएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई जब किया था ना तो ये आ रहा था, तो इसका मतलब सर आना ये चाहिए था बुक के हिसाब से। तो इन दोनों के बीच में वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने इसके बीच का वेरिएबल निकाला ऐसे, कैसे, इस फॉर्मूले को रख के, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट, जो कि आ गया 0.6, ठीक है। इसको रख के जब हमने निकाला और जब इससे मल्टीप्लाई करा हमने, तो यहाँ पे आ जाइए। अब सर अगर 84,000 है जिसमें एक बीस पे इतना वेरिएबल है, 84,000 में से ये वाला हिस्सा माइनस करो तो बाकी का फिक्स बचेगा ना, तो सेम प्रोसेस सुपरविजन में भी किया हमने। ठीक है।